नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। आईपीएल के 13वें सीजन के 47वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हरा दिया। यह आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले हैदराबाद ने दिल्ली को अबू धाबी में इस सीजन के 11वें मैच में 15 रनों से हराया था। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार है। सनराइजर्स हैदराबाद की इस जीत के हीरो रहे रिद्धिमान साहा, जिन्होंने 45 गेंदों में 87 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल टीम की जीत की नींव रखी। रिद्धिमान साहा की इस पारी के बाद उन्होंने कईयों का दिल जीता, उनमें एक नाम है टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने साहा की पारी को देखने के बाद उनकी जमकर तारीफ की। ट्विटर पर साहा की तारीफ में उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर ने आज रात बेहद ही शानदार खेल दिखाया। रिद्धिमान साहा के इस परफॉर्मेंस के बाद न सिर्फ रवि शास्त्री बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी जमकर तारीफ की। मास्टर ब्लास्टर ने साहा की तेज तर्रार बैटिंग की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं समझता हूं रिद्धिमान साहा की तेजी से रन बनाने की क्षमता को हमेशा ही कम आंका गया है। बहरहाल मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद ने 20 ओवर में अपने 2 विकेट खोकर 219 रन बनाए। रिद्धिमान साहा ने सबसे अधिक 45 गेंदों में 87 रनों का योगदान दिया, जबकि कप्तान डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। दिल्ली के लिए आर अश्विन और एनरिक नोकिया ने एक एक विकेट झटके। जीत के लिए 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की पूरी टीम 19 ओवर में 131 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा ऋषभ पंत ने 36 रनों का योगदान दिया। पंत के अलावा अजिंक्य रहाणे ने 26 और तुषार देशपांडे ने आबाद 20 रन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। हैदराबाद की ओर से राशिद खान सबसे किफायती गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 7 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 2 विकेट और टी नटराजन ने अपने कोटे में 2 विकेट हासिल किए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।